सीरियल उड़ारिया की बात करें तो शो में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से जो फतेह है उसने जैस्मिन को वॉर्न किया, लेकिन जैस्मिन ठहरी ढीठ, उसे किसी की बात नहीं सुननी है। उसने अब फतेह से कह दिया है कि तुम्हारी बोटी ही मुझे इस घर में लेकर आई है, और तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते हो ना? तुम क्या चाहते हो, मेरी रिकॉर्डिंग तेजो को सुनाना? तो ठीक है, जाओ सुना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तेजो को फिर से सदमा लगेगा और फिर से वो वही हाल में हो जाएगी। आपको बताते चले कि फतेह को बहुत गुस्सा आता है, फतेह कुछ कह नहीं पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, तेजो की वजह से वो चुप है। वेल, अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से फतेह और तेजो दोनों कॉलेज में होंगे, जहाँ फतेह तेजो से दूर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि बार बार फतेह को यही लगेगा कि तेजो ने उसे अपनाया नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अचानक से जब तेजो की नज़र फतेह पर पड़ेगी तो दौड़ते भागते फतेह के पास आएगी और सीधे उसे गले लगा लेगी और कहेगी कि फतेह मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे कुछ याद नहीं था, मुझे मेरी फैमिली वालों ने सब कुछ बता दिया है। और फिर उससे यही कहेगी कि ये मंगलसूत्र मुझे पहनाओ फतेह, और फतेह मंगलसूत्र पहनाएगा और दोनों एक दूसरे के गले लगेंगे। और फिर तेजो यही कहेगी कि मुझे जो है अब तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे घर पे रहना है। देखना दिलचस्प ये होता है कि ये एक सपना है कि ये हकीकत है। आपको बता दें कि ये हकीकत तो नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है फतेह का। अब आप देखेंगे कि इस हादसे ने, जी हाँ, जो हुआ है हादसा जो फतेह के साथ होने वाला है, उस दौरान ही तेजो जो है वो ये बात कहेगी कि वो फतेह से प्यार करती है, लेकिन जैस्मिन जो है उसने तो कसम खाई है कि इन दोनों को एक होने नहीं देगी। तो जैस्मिन क्या करती है देखना दिलचस्प होगा।